वेलकम टू माई चैनल एंड आज है संडे यानी फंडे। सो बिना संडे को रेस्ट करते हुए एंड वेस्ट करते हुए इसे मैं और मम्मी ने प्लान किया था कि हम दोनों जाएंगे आज इस प्लैनेट न्यू मार्केट में। तो इसे शॉपिंग करनी थी, प्लस हमें श्री लेदर्स भी जाना था। तो सुबह सुबह हम लोगों ने मेट्रो पकड़ा और सीधा पहुँच गए इस प्लैनेट पे। तो हम लोग इतना ही सुबह पहुँचे कि अभी सारे शॉप्स मतलब बस खुल ही रहे थे और हम लोग अराउंड आई थिंक 9:30 के आसपास तो पहुँच गए थे। और अभी क्योंकि पूजा का सीज़न है तो संडे भी मार्केट ऑफ नहीं है। तो चाय पी के सबसे पहले हम लोग पहुँच गए श्री लेदर्स। हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट की वहीं से। मुझे पर्सनली श्री लेदर्स में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वहाँ से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे यहाँ पे नियरेस्ट श्री लेदर्स नोएडा पे है, तो मैं यूजुअली वहीं पे जाती हूँ एंड बस पूजा के टाइम पे मैं न्यू मार्केट आ जाती हूँ। यहाँ पे द बेस्ट थिंग इज़ द प्राइस एंड द क्वालिटी, बहुत अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइस है। लाइक 280 इस तरह के प्राइस में, 300-420 में आपको बहुत अच्छे अच्छे शूज़ मिल जाते हैं। एंट्री करके ग्राउंड फ्लोर से ही मेन सेक्शन स्टार्ट हो जाता है पूरा। और यहाँ पे जो ये शूज़ थे अराउंड 800 से लगभग इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी। और आई थिंक ये ग्रीन वाला जो मैंने मुझे पसंद आया था तो ये मैंने देखा था 1100 की। और उसके बाद सारे इसी प्राइस में आपको मिलेगा 800-900 के आसपास, 1000। और फिर कुछ स्लीपर्स जो है जो मेन्स के लिए ही है, सो दीज वर वेरी चीप, यू नो 280 के प्राइस रेंज में था। इतना ज़्यादा कलेक्शन और वैरायटीज़ है कि मैं तो बस देखती रह जाती हूँ कि यार कौन सा पसंद आएगा पापा को या कौन सा लेना चाहिए। डेली वेयर के लिए आपको तो 280-300 के रेंज में ही बहुत सारे शूज़ मिल जाएंगे और 400-500 तक तो बहुत अच्छे शूज़ अवेलेबल मिल जाते हैं। इसका प्राइस था 530। क्रॉक्स के ड्यूब्स जो 290 में ही अवेलेबल थे एंड बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बाद हम लोग सीधा चले गए थे ऊपर लेडीज सेक्शन में। इतना ज़्यादा भीड़ था, पूजा का टाइम, इट्स वेरी ऑब्वियस दैट बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। एंड ऊपर का सेक्शन बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज कलेक्शंस है। अगेन जो लेडीज़ कलेक्शन है वो भी 280 के रेंज से स्टार्ट हो जाता है। ये वाला 380 में था और ये 440। मुझे ये वाइट वाला बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने रखा था कि मुझे ट्राई करना है। अगेन दिस वॉज 390। सो देखो 400 के रेंज में ही कितने अच्छे अच्छे पेयर्स अवेलेबल है। थोड़े जो फैंसी है वो लग रहा है कि शायद बहुत प्राइस होगा, बट नहीं, इट्स ऑल अराउंड 400। दिस ब्लैक हील वॉज 280। बाहर भी लोकल स्ट्रीट में ना आपको ऐसे 280 के प्राइस में मिल जाता है, बट अगेन श्री लेदर्स का जो क्वालिटी है वो स्ट्रीट शॉपिंग से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं हो सकता। ये बैग मम्मी को बहुत पसंद आया था, इट वॉज 235, बट बिलिंग कराते टाइम ना हम इसका स्लिप भूल गए थे तो हम ये ले ही नहीं पाए, बट नेक्स्ट टाइम इफ आई विजिट आई विल गेट दिस वन फॉर श्योर। बहुत सारे लेदर बैग्स के ऑप्शंस थे यहाँ पे, आई थिंक दीज वर फॉर मेन ओनली एंड सब कुछ प्राइस रेंज 799-899 तक था। और प्लस कुछ थे जो 1000-1200 के रेंज में भी थे। ये वाला जो सेक्शन था ये लेडीज़ के लिए बैग्स था, लेदर बैग्स, तो आई थिंक 700 प्लस के रेंज में था। और ये वाला एक बैग मुझे बहुत पसंद आया था एंड दिस वाज ओनली फॉर 420 रुपीज़। ये वाला शायद बटुआ बैग बोलते हैं, पता नहीं, बहुत क्यूट लग रहा था एंड 275 के रेंज में था। दिस वर द ग्लिटरी एंड शिमरी बैग्स, अच्छा लगता है पार्टी वेयर में ऐसे लेके जाने में। बहुत ह्यूज कलेक्शन है बैग्स में भी और इतना सब कुछ में चूज़ करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो जब भी आप श्री लेदर्स वगैरह में जाओ ना तो एकदम अपना बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाना। ये वाला बैग दिखने में तो बहुत अच्छा ही लग रहा था पर इसका प्राइस थोड़ा हाई था, इट वॉज 2360 रुपीज़। एक दो बैग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने कुछ चूज़ करके रखा है, इसके लिए मुझे नेक्स्ट फिर से एक दिन विज़िट करना पड़ेगा क्योंकि आज तो बहुत भीड़ था।
सो बहुत कुछ देखने के बाद, बहुत सारे लेडी शूज़, सैंडल्स, हील्स देखने के बाद मैंने कुछ ऑप्शंस पसंद किए थे, मैंने ट्राई किया था। उसमें से मुझे ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। वाइट हील्स मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा, बट दिखने में सुंदर था। प्लस ये भी एक था पेयर, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। बहुत टाइम तो मेरा श्री लेदर्स में ही निकल गया था। और एक तो इतना ज़्यादा भीड़ था, बाप रे, यू कैन सी। और जाते हुए भी लाइन में तो देख ही जा रही थी, ये पसंद है, वो पसंद है। और अभी शॉपिंग हुई कहाँ थी, श्री लेदर्स के बाद हमें जाना था न्यू मार्केट के भी स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने। सो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी और बहुत सारा हमने शूज़ ख़रीद लिया था। फिर हम डायरेक्टली श्री लेदर्स से निकल के बाहर, जैसे ही आप निकलोगे वहीं से पूरा न्यू मार्केट का भी एरिया है, एंड रोड साइड में बहुत सारे आपको दुकान मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में कुछ बैग्स देखे जो इन्होंने कहा था 150 प्राइस है, बट आई थिंक बार्गेन करने पे 100 तक मिल जाएगा। एंड ये साइड पर्स के सारे रेंजेस जो अवेलेबल था 150-200 के आसपास थे। फिर मैंने झुमके देखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस है वो सब 30 रुपीज़ में है, एंड बहुत सुंदर थे जो मल्टी कलर्स में था। काफ़ी सारे मैंने ख़रीदे थे, तो मैं इसका एक अलग से एक शॉर्ट्स बनाऊंगी, मैंने सोचा है कि वो कैसा लग रहा है व्हेन यू वेयर इट। ब्लैक पॉलिश में जो लॉन्ग वाले झुमके हैं, दीज वर लाइक फिक्स प्राइस 100, बट इफ़ यू टेक 2-3, और अगर दुकान वाले भैया थोड़े से अच्छे हो तो ना, ये लोग 80-180 में दो ऐसे दे रहे थे। दीज वर ऑल्सो 100 रुपीज़ फिक्स प्राइस। एक दुकान पे मुझे ये फ्लावर्स 50 रुपीज़ पर पीस बोल रहे थे, और थोड़ा सा मैं आगे गई तो मुझे 40 रुपीज़ पे भी अवेलेबल मिले। तो न्यू मार्केट में ऐसा ही है, यू हैव टू सर्च एंड यू नो यू हैव टू बार्गेन अलॉट देयर। ये वाला एक हार मम्मी को बहुत पसंद आया था, एक गणेश जी का मूर्ति बना हुआ था। इट वॉज लुकिंग एक्चुअली गुड। 450 इन्होंने इनिशियल में प्राइस बताया था, फिर थोड़ा सा बार्गेन करते करते 250 तक हमने दिया और ये मान गए। तो यहाँ पर ना वो लोग बहुत ज़्यादा रेंज हाई करके ही बोलते, तो 50% आप कम करके इनको दाम बताया करो। यहाँ पे जो सारे झुमके थे, इट वाज लाइक स्टार्टिंग प्राइस था 250 करके। मैंने यहाँ से दो झुमके लिया था, और बहुत ज़्यादा बार्गेन करने के बाद एक मैंने इसका ग्रीन कलर में लिया था। दोनों मुझे मिला 220, तो 110 पर हेड। उसके बाद मैंने कुछ चोकर्स पसंद किया था, इसमें से मैंने एक लिया था, तो 100-150 के रेंज में चोकर्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है और आपको पसंद भी आ रहा है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलमोस्ट ज्वेलरी की शॉपिंग हमारे यहाँ पे डन हो चुकी थी, एंड न्यू मार्केट में जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, हमेशा बहुत भीड़ रहता है। आप पूजा के टाइम पे आओ या फिर आप किसी भी दिन में आ जाओ साल भर में, हमेशा यहाँ पे एक जैसा भीड़ रहेगा। फिर हमने कुछ स्टोल वगैरह देखा, तो सिंगल का प्राइस ये लोग 100 रुपीज़ बता रहे थे, और अगर आप एक साथ ना 5 या 6 लेते हो तो आई थिंक 70-80 के आसपास तो आपको ये सारे मिल ही जाएंगे। एक एक करके मम्मी पहन पहन के देख रही थी कौन सा अच्छा है, कौन सा का क्वालिटी अच्छा है, बिकॉज यू नो प्राइस के अकॉर्डिंग ही क्वालिटी भी आपको मिलती है स्ट्रीट शॉपिंग पे, तो यू हैव टू सी अ लॉट। उसके बाद हम लोग गए हॉक्स मार्केट, मुझे एक दो कॉफ़ी मग्स यू नो ट्रम्बलर खरीदना था, तो मैंने यहाँ पे देखे बहुत सारे। 250 है, प्लेन लीजिएगा 200 है, छोटा वाला 160 है, ये लीजिएगा 250 का, इसमें 2-in-1 है, बोतल भी बनेगा शीपर भी बनेगा। सारे ही बहुत सुंदर थे, बट मुझे राउंड शेप में टम्बलर चाहिए था, जो मुझे आगे जाके दूसरे दुकान पे मिल गया था, एंड मैंने दो टम्बलर खरीदा था एंड इट वाज 350। उसके बाद मैंने कुछ चूड़ियाँ देखी एंड कलेक्शन वाज वेरी प्रिटी। तो चूड़ी वगैरह आपको 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ में मिल जाएगा,
ये लोग मांगेंगे 150-200। एक लोग का तो 150 थोड़ा सा बार्गेन पे ये आपको 80-200 पे मिल जाएगा। तो सीधा हमारी ज्वेलरी सारी शॉपिंग ख़त्म यहीं पे। एंड बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, इतना भूख लगा था, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पिया हुआ था। सीधा हम लोग चले गए, यहाँ पे अमीना था, अमीना से हमने सोचा कुछ खा पी के फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। बट ऑब्वियसली यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, ना हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। उसके बाद हमने ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह उतना देखा नहीं, डायरेक्टली वी ऑर्डर्ड बिरयानी। एंड दिस टाइम ना मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मुझे टेस्ट उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। यूजुअली अमीना का टेस्ट अच्छा ही होता है, बट पता नहीं उस दिन मुझे पसंद आया ही नहीं। और मुझे लग रहा था कि शायद मेरे घर के आसपास जो लोकल स्टोर में इसके कम प्राइस में ज़्यादा अच्छा बिरयानी मिल जाता है। उसके बाद हमने फटाफट से अपना लंच कर लिया क्योंकि हमें घर वापस जाना था। एंड ये जो मैंने इतना बकबक बकबक किया, इतना बड़ा सा वीडियो बनाया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।